हजूर दे गुलामो मदनी लजपाल मदीने दे ताजदार हजूर कमली वाले दा दरबार लगा होए हजूर दे गुलाम हजूर दे जानी साहब सहाबा मौजूद हैं ओ गुलाम जिना दे बारे कमली वाले ने इरशाद फरमाया असहाबी कन्नुजू मेरे साहबा मिसल सितारियां दे मेरे गुलाम सितारियां दे मिसलन अजुहम इक्तदई तुम इहतदई तुम मेरे गुलामा दे विचू जेड़े गुलाम दी इक्तदा करे सो दुनिया दे विच भी कामयाब होवे सो ते आखरत दे अंदर भी कामयाब होवे सो महबूब दा दरबार लगा होए हुजूर ने सलात व सलाम दे सारे साहबा मौजूद न एक गुलाम गैर हाजिर है हजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामो चंद दीवारा हो गए मेरा एक पक्का साहबी आई जमात का पाबंद आई मेरी बारगाह च आंदा नमाज अदा करेंदा पांच नमाज नमाज पढ़दा लेकिन कुछ दीवारा थी गैन मेरा गुलाम नजर नहीं पी आंदा ओ गुलाम गैर हाजिर है ओ मेरा गुलाम किता है ऐ मेरे गुलामो चलो जाके उंदा पता करो उंदी खबर करो ओ किता है गुलाम हजूर दे साहबा बैनन मन के ऊपर पैगाम पूछेनन हजूर दे उस गुलाम दी बारगाह विच मन के अर्ज करेनन ए हजूर दा सहाबी ए हजूर दा गुलाम अल्लाह दे रसूल तो को याद पै करेंदे हन तुसा हजूर दी बारगाह च दूजी बीमारी नहीं व्याए अल्लाह दे रसूल तो रा जिक्र पै करेंदे हन केड़ी मजबूरी है हजूर दा ओ गुलाम चल पौंदे अल्लाह दे महबूब दी बारगाह विच पहुंचदे हाथ जोड़ के अर्ज करेंदे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ता इबादत में इजाए तोरे वदुआ वाले मुखड़े दा दीदार कर या रसूल अल्लाह सारी ता इबादत में इजाए असल की में गैर हाजिर हो सकते हैं लेकिन सोना एक थोड़ी जी मजबूरी है जिसकी वजह तो मैं ना आ सका हुजूर ने फरमाया मेरा गुलाम केड़ी मजबूरी है अर्ज कीते या रसूल अल्लाह मेरे नाल एक यहूदी दा घर है उस दे घर दे अंदर एक खजूर दा दरख्त है ते मेरी दीवार दे बिल्कुल नाल है पिया ते ओ खजूर दा दरख्त अजकल उस दे फल पक के तैयार हो गए ते उनिया खजूरा मेरे घर दे विच खांदी है ते मैं सुबह सुबह जिस टाइम उठदा मेरा पहला कम ए होंदे कि अपने घर दे विच ओ खजूरा चाके अपने उस पड़ोसी दे घर दे विच सट देना ताकि मेरे बच्चे हराम दा लुकमा ना खान मेरे बच्चियां दे पेट दे अंदर ए हराम दा लुकमा ना मंजे या रसूल अल्लाह इस वजह तो मैं लेट होवे ना इस वजह तो मैं हाजिर दरबार ना हो सकदा यही मजबूरी है हजूर पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान है अल्लाह ने इरशाद फरमाया लकद जा अकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनतुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम अल्लाह ताला फरमाया ऐ मेरे गुलामो ऐ मेरी मखलूक ऐ मेरे नबी दे उम्मतियो मैं तुहानू ऐसा महबूब अता फरमाया जरा अपने उम्मतियां दे विचों कहदा भी मशक्कत दे विच पढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकदा कहदी भी मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकदा ओ मदनी लजपाल आ दे ऐ मेरे गुलाम मत परेशान क्यों थी ने बज ओ यहूदी को आग के अल्लाह दा रसूल एक खजूर दा दरख्त खरीदना चाहंदा है अल्लाह दा रसूल एक खजूर दा दरख्त खरीदना चाहंदा है हजूर दे गुलाम ने बन के हजूर दा पैगाम पहुंचाया उस यहूदी यहूदी ने बड़ी कीमत मंगी है अपनी सोच के मुताबिक ताकि खरीदन तो बास आवन जा बिकदी पई है ओ कीमत हासिल कर गिनना बड़ी कीमत मंगी है लेकिन अल्लाह दे महबूब ने ओ सारी कीमत दे छोड़ी है लेकिन वल भी हजूर दा गुलाम एक दिहाड़े लेट होए हजूर ने पूछे वल क्यों लेट होए हैं अर्ज कीते या रसूल अल्लाह ओ दरख्त खरीद कर कीते से लेकिन हाले खड़ा यहूदी दे घर है इस वास्ते ओनी मलकियत दे विच है इस वजह तो लेट आया हजूर ने फरमाया मेरा गुलाम वन उस खजूर को मेरा सलाम पेश कर उस खजूर दे दरख्त नु मेरा सलाम दे अल्लाह दा रसूल सलाम पिया देंदा है अल्लाह दा नबी सलाम पिया देंदे नाले हजूर फरमेंदा पे ऐ दरख्त खजूर दा ओवे सादा ते खड़ा यहूदी दे घर रावे इवें ठुकदा ता नहीं सादा बन के गैरा दे घर दे विच बस अल्लाह दे महबूब दे उस गुलाम ने मन के पाक महबूब दा सलाम पेश कीता और खजूर दे दरख्त नु सनिया दित्ता कुर्बान थीवा कमली वाले दा सलाम सुनन दी देर आई कमली वाले दे सनिया सुनन दी देर आई ओ दरख्त अपनी जगह तू हल्ले अपनी पाड़ा पटियन ओ दीवार दा सीना चीरदा होया
यहूदी दा घर छोड़ के अल्लाह दे नबी दे गुलाम दे घर दे विच आ गए। वल मैं क्यों ना आखा अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार अता फरमाए कि दरख्तों ते भी हजूर दा इख्तियार चल दे, पत्थरों ते भी हजूर दा इख्तियार चल दे, गुलामों ते भी हजूर दा इख्तियार चल दे, बल्कि दुनिया दे विच भी नबी दा सिक्का चल दे, ते मैदान-ए-महशर दे विच भी हजूर दा सिक्का चल दे। अल्लाह ताला मेरी हाजरी कबूल फरमावे।